हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्जो मिनिमा में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में। मैक्जो मिनिमा का पूरे फोलियो कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है, और आपको अब जब मिलने वाले हो क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, जो बोर्ड के लिए बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है आपके लिए। और आपको मैंने जितने भी आपको बताया था, एक तो मैंने पढ़ाया था एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, सब कुछ पढ़ा दिया है। अब हम चेक करेंगे मैक्सिमा मिनिमा। तो यहाँ पर से दो टेस्ट आपको चेक करने हैं। फर्स्ट आपका है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड आपका है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और ज़्यादा हम जो अप्लाई करते हैं वो करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो जाता है उस केस में हम करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो बस चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव से जितने भी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ सारे क्वेश्चन आपके सेकंड डेरिवेटिव होंगे, और जितने भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलते हैं वो सारे मैक्सिमम मिनिमम वाले सेकंड डेरिवेटिव से हो जाते हैं, क्योंकि टेस्ट फेल वाला केस आपके सिलेबस में नहीं है। मैं बताता हूँ कहाँ पर आपका टेस्ट फेल होगा और किस तरह से आपका सेकंड डेरिवेटिव होता है। तो चेक करते हैं एक बार सेकंड डेरिवेटिव के बारे में, देखें क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन देख क्या है इसकी सेकंड डेरिवेटिव के लिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और इससे जितने भी आप बोर्ड में क्वेश्चन मिलने वाले हैं इससे रिलेटेड वो इससे ही आपको करने हैं। तो यहाँ देख लेते हैं करते क्या है। सबसे पहले आपको एक फंक्शन गिवन होगा, फर्स्ट स्टेप क्या आपका, आपको एक फंक्शन गिवन होगा, आप उस फंक्शन करेंगे डेरिवेटिव, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे आप उसका, और डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट, फोर क्रिटिकल पॉइंट बोल दें, क्रिटिकल पॉइंट या फिर बोल सकते हैं आप स्टेशनरी पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हैं इसको मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट एंड मिनिमम वैल्यू पॉइंट, इनके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो ये कह रहा है सबसे पहले आपको फंक्शन के बने पहले आप उसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद फिर फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट, इन तीनों का एक ही मीनिंग है। तो यहां पर कैसे फाइंड करते हैं कि आपने जो भी डेरिवेटिव फाइंड किया है एफ डैश एक्स उससे इक्वल रख देंगे जीरो। आपने क्या फाइंड किया था, डी वाई पॉइंट डी एक्स फाइंड किया था, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, और ये डेरिवेटिव जो फाइंड किया है उसे रखेंगे जीरो के इक्वल, और जीरो के इक्वल रखने के बाद यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज एक्स इक्वल टू आ गया ए और बी आ गया सपोज, अब उसके बाद करेंगे तो क्या करेंगे, फिर करेंगे सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स। आपने फंक्शन था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव करने पर अब जहां भी आपको एक्स है एक्स इक्वल टू पहले ए पुट करेंगे फिर एक्स इक्वल टू बी पुट करेंगे। अब देखिए अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद जहां भी एक्स है ए पुट करेंगे, जहां भी एक्स है बी पुट करेंगे, अगर ये आ गया ग्रेटर देन जीरो तो इट मीन्स फंक्शन क्या देता है मिनिमम वैल्यू, ओनली मिनिमम वैल्यू देगा आपका फंक्शन। अगर आपका एक्स टेंड टू बी पर या ए पर क्या दे रहा है लेस देन जीरो आ गया, अगर आप आ गया एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आ गया तो ये देगा मैक्सिमम वैल्यू। हो सकता है एक्स टेंड टू ए पर क्या दे दे मिनिमम, एक्स टेंड टू बी पर दे सकता है आपका मैक्सिमम। अब यहां से कन्फर्म हो जाएगा कि फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या फिर मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अब जिस पॉइंट पर वैल्यू दे रहा उस वैल्यू को एक्स की उस वैल्यू का रख देंगे फंक्शन में, तो वहां से हम फाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दोबारा का रिपीट करता हूं क्या क्या करना होता है। आपको जो भी फंक्शन गिवन है पहले करेंगे आप उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करने के बाद वहां से निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालेंगे, या आप क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं या स्टेशनरी पॉइंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद करेंगे आप एफ डैश एक्स को इक्वल रखेंगे जीरो के इक्वल, और जीरो के इक्वल रखने के बाद वहां से फाइंड करेंगे हम एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू ए आ गया या बी आ गया जो भी वैल्यू आ गया एक्स की, फिर करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद जहां भी एक्स है वहां ए पुट करेंगे, जहां भी एक्स है बी पुट करेंगे, अगर ए और बी पुट करने पर या ओनली ए पुट करने पर या ओनली बी पुट करने पर अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया ग्रेटर देन जीरो तो इट मीन्स फंक्शन क्या देगा मिनिमम वैल्यू, और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव में ए या बी पुट करने पर क्या आ गया लेस देन जीरो तो फंक्शन देगा मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, अब उस एक्स की उस वैल्यू को क्या रख दें फंक्शन में हम पुट कर देंगे, जिससे पता लग जाएगा कि फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है किस पॉइंट पर दे रहा है इस पॉइंट पर दे रहा है। तो इस तरह हम बहुत ही इजीली किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप वहां से पहले क्या कर रहे हैं यहाँ से टेस्ट करते हैं, हम टेस्ट करके चेक करते हैं कि क्या फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या नहीं देगा। ये सिर्फ और सिर्फ
ये जो टेस्ट जो चल रहा है, ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए होता है कि फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। अब क्या वैल्यू देगा, एक्स की उस वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, एफ एक्स में पुट करेंगे। पुट करने पर पता लग जाएगा कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है और ये वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो पता लग जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पर मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स हुज सम सम इज 16। ये कह रहा है कि दो नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या पता नहीं, सेकंड क्या ये भी नहीं पता है, लेकिन दो नंबर सम क्या गिवन आपको 16 गिवन है। फिर आगे क्या कह रहा है देखिए, एंड सम ऑफ ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, ये आपको चेक करना है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, आप समझने की कोशिश करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये श्योर है अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, हार्ड नहीं बिल्कुल भी। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम कब आती है, जब हम किसी भी टॉपिक को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, उसका मेथड जो हो गया उसका रूल वगैरह सारे पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, तो उस केस में हमको थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि क्या अप्लाई करना क्या अप्लाई नहीं करना, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप उसका मेथड पढ़ें, इसमें क्या मेथड अप्लाई होगा, क्या हमसे फाइंड करवा रहा है, तो देन उसके बाद बहुत सारी क्वेश्चन बहुत सारी प्रॉब्लम को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले पता है कि इस क्वेश्चन में ये मेथड लगने वाला है और इस मेथड को इस तरह से अप्लाई करते हैं, बस आप ये सीखें बस। तो ये कराएं फाइंड टू नंबर हुज सम इज 16, दो नंबर सम क्या है 16 है, एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। तो चेक करना कि ये कह रहा दो नंबर हैं और दो नंबर सम क्या है 16 है। अब फर्स्ट नंबर क्या लें, सेकंड नंबर क्या लें, क्या अगर उनका मैं क्यू का सम करूं तो क्या आना चाहिए मिनिमम। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों माइंड में 10 और 6 आ सकता है, 6 10 आ सकता है, या 12 4 आ सकता है, या फिर 8 8 आ सकता है, 14 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है माइंड में। अब लेकिन प्रॉब्लम सारी क्या हो सकता है, बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट करेंगे, बहुत सारे निकाल के देखेंगे और वहाँ पर हो सकता है आपका एग्जैक्ट आंसर ना निकले, तो इसलिए और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पता ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप ये सोचें कि दो नंबर हैं, फर्स्ट नंबर क्या पता नहीं, सेकंड नंबर क्या ये भी नहीं, मुझे नहीं पता है, तो उस केस में हम लेट करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। और अगर ये करा मिनिमम तो इट मीन्स इसका मैं सेकंड जो डेरिवेटिव करूँगा वो क्या आना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव अगर इसका ग्रेटर देन 0 आ गया या पॉजिटिव आ गया तो इट मीन्स मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। अब चेक करते हो नंबर क्या क्या, देखिए तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या आएगा। लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, तो ये कह रहा है फर्स्ट नंबर क्या आपका एक्स और सेकंड नंबर क्या आपका वाई। ये कह रहा है कि दो नंबर का सम, टू नंबर का सम क्या आपका 16, तो यहां लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16, इसे डाल दें आप इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन कह रहा है एंड सम ऑफ हुज क्यूब, उनके क्यूब का सम, तो यहां से क्या आएगा सेकंड कंडीशन, फर्स्ट नंबर क्या आपका x, सेकंड नंबर आपका y क्यूब, ये गिवन है फंक्शन आपका आगे ये चेक करना आपको। अब देखिए यहां क्या लिख रहा है fx equal to x cube plus y cube आपको गिवन है, तो देखिए y को मैं क्या ले सकता हूं, y को ले सकता हूं मैं 16 माइनस एक्स लिख सकता हूं, तो यहां से क्या आएगा fx equal to आपका आ जाएगा x cube प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, मैंने बताया कैसे करते हैं, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, अब अप्लाई कर लेता हूं, तो यहां से क्या डेरिवेटिव करने लगे क्या आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x² प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगर दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो इसका क्या आएगा 0, इसका आएगा -1, तो यहां पर क्या आएगा आपका माइनस ये आपका हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा क्योंकि आपने डेरिवेटिव बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x². अब अपने माइंड में आपने कैलकुलेट किया ऐसे एक्स लेट किया है, तो लिख रहा है एक्स क्यूब, इसका होता है 3x². अब लेट जिसे किया दोबारा करो, इसका क्या आएगा डेरिवेटिव 0, इसका आएगा -1, तो होगा माइनस। फिर फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट के लिए, 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं पॉइंट फाइंड करते हैं, तो यहां से क्या आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू रखेंगे 0,
तो यहां से क्या आएगा, देखिए यहां से रखेंगे आपका आएगा 3x² माइनस 3 × 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका आएगा 0। तो यहां से हम फाइंड करते हैं वो वैल्यू क्या क्या है। देखिए यहां से पॉइंट निकलेंगे आपके, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, थोड़ी देखिए यहां पर आपको बने 3x² माइनस 3, यहां से क्या आएगा आपका 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहां पर कॉमन दिख रहा है 3, तो 3 को मैं करता हूं 0 में ट्रांसफर। तो यहां से क्या आएगा आपको, देखिए x² माइनस 16 का स्क्वायर क्या आएगा 256। अब यहां से क्या आएगा प्लस x², लेकिन बाहर क्या नेगेटिव, तो यहां पे आएगा नेगेटिव। अब यहां से आएगा माइनस, ये क्या आएगा आपका 32x, लेकिन बाहर क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव नेट क्या होगा पॉजिटिव, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो उम्मीद है क्लियर हो गया समझ में आपको। देखिए 3 मैंने कर लिया कॉमन, ये x² आपका एज इट इज, यहां लिख रहा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे, और अगर नेगेटिव साइन बाहर है अंदर ट्रांसफर करूंगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहां पर देखिए x² से ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो यहां सॉल्व करने में क्या आएगा, देखिए 32x इक्वल टू 256, तो x इक्वल टू क्या आएगा 256 अपॉन 32। अब 16 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 216 से, ये क्या आएगा आपका 16, इससे क्या आएगा 8, तो x क्या आ गया 8। अगर फर्स्ट नंबर 8 है तो सेकंड भी क्या होगा 8। अब लेकिन चेक करेंगे क्या ये करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, अब करेंगे अगेन डेरिवेटिव f" x फाइंड करेंगे इसका। तो देख क्या आएगा डेरिवेटिव इसका, इसका हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 6x माइनस 3 आपका एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 3 × 6 हो जाएगा 6 इंटू क्या आएगा 16 माइनस एक्स, और दोबारा करने में क्या आएगा प्लस। इस तरह आपने क्या करा, वैल्यू पुट कर लीजिए ध्यान से, आपने इसका डेरिवेटिव किया, इसका हो जाएगा 6x, 3 आपका एज इट इज। अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव करता हूँ, x² का होता है 2x, तो 2 से करने में क्या आएगा 6, इसका दोबारा करेंगे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस। अब जहां भी x है, अगर मैं f" में जहां भी x है क्या पुट कर दूं, 8 पुट कर दूं, तो आपको पता ये क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव, इट मींस क्या आएगा ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 आगे क्या हो गया, ये देगा मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू किस पे देगा, x = 8 पर। अगर x = 8 है तो y भी क्या होगा आपका 8 होगा, तो इसका होता है 8 का क्यू और 8 का क्यू का सम। अगर चेक कर लेते हैं एक बार, 8 का क्यू प्लस 8 का क्यू चेक कर लेते कितना आएगा, देखिए इसका आएगा 512, इसका कितना आएगा 512, ऐड करने में कितना आएगा 1024 इसका आ गया है। अब और अगर ले लें, अगर सपोज मैंने ये ले लिया 12 क्यू और यहाँ ले लिया 2, यहाँ ले लिया 4, तो चेक करेंगे इसका जो क्यू का सम होगा हर बार क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा। या आप 10 और क्या ले लें, 10 का क्यू और 6 का क्यू ले लें, ये भी 16 होता है, इनका सम भी क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा। कहने का सेंस है आप 16 का कोई फैक्टर ले लें, 10 या 6 ले लें, 12 या 4 ले लें, 14 या 2 ले लें, डेफिनेटली हर बार उनका क्यू का सम हमेशा क्या होगा, इसके क्यू के हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा है, x = 8 पर और y = 8 पर क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। देखिए हो सकता है इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर पाते हैं, अब लोग हो सकता है नहीं कर पाते, इसलिए आपको यहाँ तो पता लग रहा है कि ये 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस होंगे यहाँ आप नंबर से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली चेक ना करें, सिंपली आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करें और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आराम से निकल जाएगा। और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल का होता है, अगर ये आपका सेकंड डेरिवेटिव f" x अगर 0 के इक्वल आ गया तो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर आपका टेस्ट फेल होगा उस केस में आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कहने का सेंस है अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या देगा, मिनिमम। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आ गया क्या देगा, मैक्सिमम। और अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया तो क्या होगा, टेस्ट फेल। तो ऐसे के टेस्ट फेल में फर्स्ट डेरिवेटिव आपको सॉल्व करना है। लेकिन आपको जितने भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बोर्ड में और आपके बुक में, जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आपका टेस्ट फेल नहीं होगा। इट मींस हर बार सेकंड डेरिवेटिव होगा या पॉजिटिव वैल्यू देगा या फिर नेगेटिव देगा, कभी भी 0 वैल्यू नहीं देगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए ये कह रहा है कि आपको एक स्क्वायर पीस में केबन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं थोड़ा यहां से अभी। ए स्क्वायर पीस p
स्पेस ऑफ टेन, टेन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड, इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स, इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, टॉप बाय कटिंग कटिंग फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स एंड फोल्डिंग अप, the flaps to form cut off so that volume at the box is the maximum. देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से सुनना बस, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है। बस ये कह रहा है कि आपको एक स्क्वायर में एक स्क्वायर पीस की बने ऑफ टेन, ये कह रहा है टेन एक मेटल यहाँ पर हो गई, तो मेटल का यहाँ पर क्या आपको एक स्क्वायर में एक सीट के बने आपको, और सीट का करना वो चारों कॉर्नर से क्या करना कट करना है, कट करने का क्या करना उसको फोल्ड करना है, फोल्ड करूंगा, फोल्ड करने क्या बनने की ट्रे टाइप बन जाएगी। नॉर्मली आप देखो शादी वगैरह हम जाते हैं हलवाई के पास क्या होती है ट्रे होती है, कैसे करते हैं पहले एक सिंपल क्या होती है हमारे पास स्क्वायर पीस में या रेक्टेंगल सीट में ऐसी क्या होती है हमारी सीट होती है, तो क्या करते हैं चार कोने से इक्वल काट के क्या करते हैं उसको फोल्ड करते हैं, थोड़ा फोल्ड करने क्या बन जाती है ट्रे टाइप में बन जाती है। तो यहाँ पर सेम ऐसी है, अब यहाँ पर इसकी लेंथ क्या बना आपको 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी क्या होगी 18 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि आपने चार कॉर्नर से जो कट किया है कट करना कितना कट करें कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाए मैक्सिमम। अब हो सकता है बहुत सारे पर्सन ये सोचेंगे कि अगर उसे ज़्यादा कट कर दें उसकी हाइट बढ़ा दें, अगर उसकी हाइट बढ़ेगी तो सीधी बात है अंदर का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, या फिर उसकी हाइट कम करेंगे तो उसका एरिया अंदर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप देखिए कितना उसे कट करें, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, सपोज ये आपको एक पेज के बने, अब किस तरह अगर मैंने सपोज इसको यहाँ से इस तरह फोल्ड कर लिया, मैं समझा रहा हूँ आपको, देखिए सपोज आपने इससे फोल्ड कर लिया इसको, आपने इसको यहाँ से भी फोल्ड कर लिया, ऐसे फोल्ड कर लिया और यहाँ से आपने इसको फोल्ड कर लिया है, आपने इसको यहाँ से फोल्ड कर लिया सपोज। अब आप अगर देखेंगे इसको देख क्या दिख रहा है आपको, ये आपको एक ट्रे टाइप में, अब आपको एक कॉर्नर भी कट करने हैं, आपको क्या दिख रही है ट्रे टाइप में दिख रही है। देखिए अगर नॉर्मली मैं इस तरह इसको देखता हूँ तो क्या बन गई, देखिए इस तरह आपको ट्रे टाइप में बन गई होगी देश इस तरह से। तो अब ये कह रहा है कि इसको मैं कितना फोल्ड करूँ, आपने जो फोल्ड जो किया है, ये जो फोल्ड किया है इसको कितना फोल्ड करें, एक सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर, पाँच सेंटीमीटर। अब सीधा अगर आपने ये ज़्यादा फोल्ड कर दिया तो इसकी हाइट क्या होगी ज़्यादा होगी, लेकिन अंदर का जो एरिया वो क्या हो जाएगा इसका एरिया, अंदर का एरिया हो जाएगा कम। तो अब यह आपको चेक करना है कितना फोल्ड करें का उसका वॉल्यूम क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए। तो चेक करते हैं, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो सपोज यहां पर मैं एक स्क्वायर शीट ले लेता हूं, यहां पर मैंने सपोज ऐसी स्क्वायर शीट ले ली आपको दिखाने के लिए यहां पर। अब मैंने क्या किया इसको स्क्वायर से कट कर दिया, इक्वल इक्वल कट करना आपको, यहां से भी कट कर लिया आपने, इधर यहां से भी कट किया है, इधर आपने यहाँ से भी कट कर दिया। तो आपने यहाँ कट करके इसको साइड में निकाल दिया, इधर यहाँ से भी आपने इसको कट कर दिया है, इधर आपने यहाँ से भी इसको कट करके बाहर निकाल दिया है, इधर आपने यहाँ से भी इसको कट कर दिया। अब देखिए अगर आपने इसे चार कोने से कट कर दिया है, अब कट करने के बाद मैं इसे क्या करूँगा फोल्ड करूँगा, फोल्ड ये क्या आएगा स्टैंडिंग आएगा, और अगर मैं इसे ऐसे फोल्ड करता हूँ ये भी स्टैंडिंग आएगा, इधर इसे फोल्ड किया इधर फोल्ड किया। तो अब देखिए आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अब आपने सर चारों कॉर्नर से कट कर दिया है, कट करने के बाद ये जो पोर्शन है इसको मैं क्या करूंगा इतना फोल्ड कर दिया इस तरह आएगा, और यहां से अगर इसको फोल्ड करता हूं तो ये इस तरह हो जाएगा, और अगर इससे फोल्ड करता हूं तो ये इधर होगा इस तरह से, यहां से क्या बन जाएगी आप ये इस तरह से ट्रे टाइप में बन जाएगी।
नॉर्मली आपने हलवाई जो वगैरह जो होते हैं उनके पास आपने देखी होगी इस तरह से। अब कह रहा है कि इसको कितना फोल्ड करें। अब अगर आपने ज़्यादा इसे फोल्ड कर दिया, आपने ज़्यादा फोल्ड किया तो अंदर का एरिया क्या हो जाएगा, कम, और कम फोल्ड किया तो इसका अंदर का एरिया क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आपको चेक करना है कि हाइट ज़्यादा बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा या हाइट कम करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि अंदर का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसकी लेंथ ब्रेथ सब कुछ चेंज हो रही है। तो चेक कर लेते हैं सब कुछ। आपने ये कितना कट किया एक्स, ये कितना कर लिया एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। पहले इसकी लेंथ कितनी थी, 18 सेंटीमीटर थी। अब लेंथ क्या बचेगी इसकी, 18 माइनस 2x। अब देखिए 18 माइनस 2x इसकी लेंथ क्यों होगी, क्योंकि x सेंटीमीटर आपने इधर से कट कर दिया, x आपने इधर से कट दिया, तो ये आएगा 18 माइनस 2x। अब ब्रेथ की बात करें, x इधर कट किया, x इधर किया, तो ब्रेथ भी क्या होगी, 18 माइनस 2x, क्योंकि ये स्क्वायर सीट है, स्क्वायर सीट में लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसकी लेंथ हो चुकी है आपकी 18 माइनस 2x, ब्रेथ हो चुकी है आपकी 18 माइनस 2x। अब बात करूं मैं हाइट की, तो मैं अगर इससे इतना फोल्ड करता हूं, देखिए मैंने इस तरह यहां से ले इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये क्या होगी इसकी हाइट, हाइट किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल इसकी हाइट होगी, तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी x सेंटीमीटर। अब आपने ट्रे जो बनाई है, ट्रे की लेंथ क्या है 18 माइनस 2x, ब्रेथ क्या है 18 माइनस 2x, और हाइट क्या होगी इसकी x सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। तो वॉल्यूम क्या पढ़ा आपने, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आपने पढ़ा इसका वॉल्यूम। तो यहां से लिख दूंगा वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो यहां से क्या है, लेंथ क्या आपकी 18 माइनस 2x, ब्रेथ भी क्या है 18 माइनस 2x, इसका होल स्क्वायर इंटू हाइट हो जाएगी x। तो यहां से क्या फाइंड करना है, आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है, तो ये क्या हो गया, लेंथ इसकी 18 माइनस 2x थी, ब्रेथ भी सेम थी, तो ये क्या बन गया इसका होल स्क्वायर, हाइट क्या हो गया इसकी x, ये क्या बन गया इसका वॉल्यूम। अब आपको पैरामीटर क्या दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, तो क्या करेंगे डेरिवेटिव, तो फाइंड करना है कितना आपको फोल्ड करना है, तो dv अपॉन dx आप स्टेटमेंट लिख लें इसमें, फाइंड द डेरिवेटिव। अब यहाँ पर कितने फंक्शन है आपको, दो फंक्शन के बने, क्या करेंगे प्रोडक्ट, तो यहाँ से आएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस एक्स आपका एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा इंटू 2, 18 माइनस 2x इंटू क्या आएगा, बाहर क्या आएगा, अब 2 टू जब 4 बाहर आएगा नेगेटिव। अब 4 कैसे हो गया पता लग गया होगा आपको, एक बार दोबारा सुनते हैं, ये फंक्शन आपका एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव प्लस, अब यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ क्या लिख रहा है एक्स लिखा हुआ है, अब ये अपने माइंड कलेक्ट किया आपने एक्स, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का होता है 2x, इसका दोबारा करेंगे इसका 0, इसका आएगा 2, तो 2 जब 4 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या क्या डेरेटिव कर लिया, ये आपका एज इट इज आ गया, इसका डेरेटिव 1 हो गया, माइनस ये डेरेटिव क्या आ गया 4x। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, मैक्सिमम पॉइंट के लिए फाइंड करूंगा, 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करूंगा, पॉइंट फाइंड करूंगा, वैल्यू फाइंड करूंगा x की। तो यहाँ से क्या करूंगा dv अपॉन dx इक्वल टू 0। अब देख कॉमन क्या दिख रहा है आपको, आपको कॉमन दिख रहा है 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x का ले लिया आपने कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 18 माइनस 2x, यहाँ से आएगा माइनस 4x इक्वल क्या होगा 0। अब यहाँ से अगर मैं इसे ट्रांसफर करता हूँ, क्योंकि ये देखिए वेरिएबल है, ये कभी भी ऐसा नहीं कि अब इसे इनटू वाला पार्ट डिवाइड में चला जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कभी भी डिवाइड में जाता नहीं है, तो यहाँ से क्या होगी कंपेरिजन होगी, तो 18 माइनस 2x इक्वल क्या है 0, तो यहाँ से x क्या आएगा आपका 9, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने देखो इसकी टोटल लेंथ क्या है इसकी 18 सेंटीमीटर, 9 इधर से फोल्ड किया 9, तो ये क्या बन जाएगी, एक पूरी प्लेट बन जाएगी यहाँ पर, मतलब आपकी ट्रे नहीं बन पाएगी। अगर मैं बात करूं सपोज इस पेपर की लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर है, अगर आपने पूरा 9 फोल्ड कर दिया, 9 सेंटीमीटर इधर और 9 इधर, तो क्या बन रहा है आपको, ये देखें प्लेट नहीं बनेगी यहाँ पर, क्या बनेगी एक एक ट्रे टाइप, ये आपका एक सिंपल स्टैंडिंग बन जाएगी इस तरह से, एक तरह से देखिए इस तरह बनेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ही नहीं होगा फिर, तो यहाँ लिखते हैं नॉट पॉसिबल। अगर 9 सेंटीमीटर फोल्ड कर दिया तो आपकी ट्रे नहीं बन पाएगी। अब अगला देखेंगे यहाँ से क्या है, 18 माइनस क्या हो जाएगा 6x, तो यहाँ से क्या 18 माइनस 6, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका x इक्वल टू 3। अगर आपने 3 सेंटीमीटर इधर से फोल्ड किया, 3 इधर से कर दिया, तो अब इसकी देखिए लेंथ क्या हो जाएगी 18 माइनस 6 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ब्रेथ भी क्या होगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब लेकिन चेक करना क्या ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या नहीं देगा, तो हटाते हैं थोड़ा इसको। अब करते हैं सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर सेकंड डेरिवेटिव करता हूं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, इसका हो जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 2x, दोबारा डेरिवेटिव करूँ क्या आएगा इसका 0, इसका क्या आएगा
माइनस टू तो बाहर हो जाएगा माइनस फोर, फोर। अब इसकी अगर मैं अंदर इंटू करता हूं तो क्या आएगा माइनस 72x, तो इंटू करने क्या आएगा माइनस का 72। अब यहां से क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 8, यह आएगा 8x स्क्वायर, सॉल्व करने पे क्या आएगा 16x। तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर लिया। अब जहां भी आपको x के बने क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। अब देखिए 3 पुट क्या देखिए, यहां पर क्या आएगा आपका माइनस का, यह आएगा 3 पुट करने 48 आएगा प्लस का, लेकिन 72 क्या है माइनस, यहां भी क्या है माइनस, तो रिजल्ट क्या रहा है इसका, सेकंड डेरिवेटिव जो होगा x इक्वल टू 3 पर क्या देगा, ये लेस देन 0 वैल्यू देगा, लेस देन 0 सेकंड डेरिवेटिव होगा। अगर x की वैल्यू में 3, x को क्या आपका 3, अगर यहां पुट करता हूं तो पुट करने पर रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव। आपको ये चेक नहीं करना कितना नेगेटिव आएगा, बस ये चेक करना है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये क्या आ गया नेगेटिव, इट मींस क्या होगा ये देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, जहां भी x है फंक्शन में, फंक्शन क्या आपका यहां, जहां भी x है आप 3 पुट करते हैं, यहां से फाइंड कर सकते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इस तरह आपने देख लिया होगा, अगर आपको कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन निकालना है तो आप सेकंड टेस्ट लगाएं, बहुत ही इजीली मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं उसकी, चेक कर सकते हैं इसका वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा। तो आपने देखा कि अगर आपको एक स्क्वायर शीट के बने और आपसे क्या आपको बनाना है टेंथ की शीट के बने, और अगर आपसे मुझे ट्रे वगैरह बनवानी है कुछ इस तरह बना के इस तरह से, तो अगर उसको 3 सेंटीमीटर फोल्ड करें लेंथ से, 3-3 सेंटीमीटर ब्रेथ से भी 3-3 सेंटीमीटर फोल्ड करें, उस केस में वॉल्यूम क्या होगा उसका मैक्सिमम होगा। मतलब कहने का सेंस है, अगर इतनी डायमेंशन की 18 सेंटीमीटर की डायमेंशन की अगर आप क्या के बने कि स्क्वायर शीट के बने, तो ये श्योर है इससे ज़्यादा वॉल्यूम आप कितना ही फोल्ड कर लें, 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा वॉल्यूम उसका नहीं हो सकता। तो कहने का सेंस है इससे बहुत ही इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, और ये आपको देख लिया होगा बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, मैक्सिमम नहीं हार्ड नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देख के आगे बना आपको इन क्वेश्चन थोड़ी लेंगे थोड़ी सी बढ़िया, बस बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं। सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इनस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। देखिए ये क्वेश्चन में नोट कर लिया है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आप कराए जा रहे हैं बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम आप कराई जा रही हैं, जो लग रहा है थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं है वो बिल्कुल भी नहीं कराई जा रही है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और इतने क्वेश्चन कर लेंगे ये छोड़े इनके सिमिलर क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाएगा, और इतना करने के बाद बोर्ड में जो क्वेश्चन मिलेगा ये मान लो आपको बहुत ही ईजी लगेगा, क्योंकि आपको मैथड ऑलरेडी पता है कि क्या मैथड आपको अप्लाई करना है, क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करवाना है, बहुत ही ईजी है। अब क्या कह रहा है देखिए, सो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इनस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम, दिख रहा है आपको ऐसा लग रहा है कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आई, वो कभी रेक्टेंगल बोल रहा है कभी स्क्वायर बोल रहा है। तो कहने का सेंस सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है कि आपको एक सर्कल गिवन है, क्या गिवन है सर्कल, सर्कल के अंदर क्या कह रहा है रेक्टेंगल, कह रहा है क्या सर्कल के अंदर रेक्टेंगल पॉसिबल है जिसका एरिया क्या हो मैक्सिमम हो। ये आपको पता है सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बन ही नहीं सकता, क्या बनता है स्क्वायर बनता है। तो चेक करना है कि क्या सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बनता है, और आपको पता है रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होती हैं डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होती हैं। तो अगर आपने ये चेक करना आपको कि अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि लेंथ ब्रेथ डिफरेंट हैं तो इट मीन्स उसके अंदर रेक्टेंगल होता है, अगर ये इक्वल आ गया कि लेंथ ब्रेथ दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि इसका अगर आपको रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर का एरिया अदर फिगर के कंपेयर में क्या होगा ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा किसी को नहीं हो सकता। अगर आप सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बना लें, कौन बना सकते हैं ठीक है, या फिर स्क्वायर बना सकते हैं, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा मैक्सिमम होगा, ये रेक्टेंगल से भी ज़्यादा होगा और कौन से भी ज़्यादा होगा। चेक करते हैं अभी क्या कह रहा है, क्या ये रियलिटी है, पता लगे हम चेक करेंगे बाद में पता लगेगा हाँ कि रियलिटी यही है, क्या बनेगा इसके अंदर, हम लेट करेंगे रेक्टेंगल है इसके अंदर।
ऐसा फिगर ड्रॉ कर लिया, ये क्या सर्कल का सेंटर, ये क्या हो जाए इसका डायमीटर, ये इसकी लेंथ क्या लेट कर लें आप एक्स लेट कर लें, और इसकी ब्रेथ को लेट कर लें आप वाई। आपने रेक्टेंगल की लेंथ को कैलकुलेट कर लिया एक्स, ब्रेथ कैलकुलेट कर लिया वाई। अब देखिए ये क्या है डायगनल, अब देखिए डायगनल इसके किसका डायगनल है, रेक्टेंगल का डायगनल है, लेकिन इसका क्या है डायमीटर, तो आप इसे लेट कर लें डी। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल में क्या दिख रहा है ये सर्कल का डायमीटर है, लेकिन रेक्टेंगल का क्या है ये डायगनल है, तो आपने क्या पढ़ा है अगर ये डायगनल है तो डी स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप लेट कर लें, आपने लेट किया यहाँ पर लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी एक्स ब्रेथ भी वाई, तो यहाँ डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई पाइथागोरस थ्योरम हमने कर लिया है, तो अब देखिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से क्या आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा इसने इधर कर दिया जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपसे लिख लें इक्वेशन वन। अब देखिए एरिया क्या पढ़ा आपने, एरिया इक्वल टू होता है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है इसकी एक्स, ब्रेथ क्या है इसकी वाई इक्वल टू ए। तो आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर वैल्यू पुट करने लगे अगर मैं कर लेता हूँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू लेट कर लें इसे जेड लेट कर लें, ए स्क्वायर का लेट किया आपने जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज, लेकिन वाई स्क्वायर का मीनिंग क्या है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपने लिख लिया यहाँ पर। अब यहाँ से अगर अंदर थोड़ा इंटू कर लेते हैं तो जेड इक्वल टू क्या आपका आएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर फोर, क्योंकि देखिए मैं अगर चाहता तो मैं वाई इक्वल टू का डायरेक्ट लिखता वाई इक्वल टू रूट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मुझे मैक्सिमम मिनिमम है रूट को बचाना, क्योंकि देखो फर्स्ट डेरिवेटिव तो आप बहुत ही जल्दी निकाल पाएंगे, डेरिवेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन सेकंड डे डेरिवेटिव करेंगे उस केस में क्वेश्चन आपका बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा, तो इसलिए मुझे क्वेश्चन को रूट से बचाना है कि यहाँ पर रूट नहीं आना चाहिए, ठीक है रूट नहीं आना चाहिए बस आपको, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे रहा है क्या दे रहा है। देखिए अब फंक्शन में पैरामीटर का आपका एक्स तो निकालूंगा डी जेड अपॉन डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव किया इसका क्या आएगा इसका आएगा टू डी स्क्वायर एक्स माइनस फोर एक्स क्यू, फाइंड करूंगा यहाँ से क्या क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा या मैक्सिमम पॉइंट वैल्यू पॉइंट निकालूंगा, फोर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए क्या लिखते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल रखते हैं जीरो, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या आएगा देखिए टू डी स्क्वायर एक्स माइनस फोर एक्स क्यू इक्वल टू जीरो, कॉमन क्या दिख रहा है आपको टू एक्स कॉमन दिख रहा है तो टू एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आएगा डी स्क्वायर माइनस ये आपका जाएगा टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो देखिए अगर कंपेयर करूँगा तो क्या आएगा यहाँ से एक्स इक्वल टू जीरो, क्या ऐसा पॉसिबल है। अब देखिए लेंथ क्या है इसकी एक्स, अगर इसकी लेंथ ही जीरो हो गई तो क्या रेक्टेंगल बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंड देखते हैं क्या आएगा डी स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, डी स्क्वायर इक्वल क्या आएगा आपका टू एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब देखिए डी स्क्वायर इक्वल क्या देखा आपको टू एक्स स्क्वायर, अगर फ्रॉम वन से मैं चेक करूं फ्रॉम वन से तो यहां से क्या आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ डी का मीनिंग क्या डी स्क्वायर क्या है टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा प्लस माइनस एक्स, लेकिन x क्या यहाँ पर लेंथ y क्या ब्रेथ ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इट इज y इक्वल टू क्या आएगा x। अब देखिए मैंने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पर, अपने प्रूव कर दिया कि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या इक्वल हैं, अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स ये रेक्टेंगल पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप पता है अगर लेंथ ब्रेथ इक्वल होगी तो रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, तो इट मीन्स इसके अंदर रेक्टेंगल पॉसिबल नहीं है, ओनली क्या पॉसिबल है स्क्वायर। अब चेक करना क्या इसके अंदर जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया मैक्सिमम होगा, तो यहां से क्या आएगा अगेन डेरिवेटिव करने लगे तो क्या आएगा अगेन डेरिवेटिव डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा देखिए सेकंड डेरिवेटिव इसका दोबारा करने लगे तो ये क्या हो जाएगा वन, तो इट मीन्स हो जाएगा टू डी स्क्वायर माइनस इसका डेरेटिव क्या आएगा फोर थ्री जेड ट्वेल्व ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। अब जहां भी डी स्क्वायर के बने आप क्या पुट करेंगे टू एक्स स्क्वायर, आपने पुट किया टू एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व स्क्वायर। अब देखिए अगर फोर एक्स स्क्वायर में से
ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस करूंगा तो आपका डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव होगा तो इट मीन्स क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो कहने का सेंस है अगर रेक्टेंगल आपको यहाँ मैंने क्या प्रूव करना, रेक्टेंगल दिखाना था स्क्वायर, अब लेकिन लेके क्या चल रहा था मैं, रेक्टेंगल लेके चल रहा था। अब आपने क्या दिखा दिया कि सर्कल के अंदर रेक्टेंगल पॉसिबल नहीं है और क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। अगर आप इसके अंदर क्या बना लें, रेक्टेंगल बना लें, कौन बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि इसमें जो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। स्क्वायर से ज़्यादा किसी का एरिया नहीं हो सकता, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो कौन हो, या कोई सिलेंडर हो, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा कि इसके अंदर ओनली क्या पॉसिबल है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर पॉसिबल है, इस वाले केस में रेक्टेंगल पॉसिबल नहीं है। हालांकि और अदर फिगर भी हो सकते हैं, लेकिन फिगर में कौन सी बात कर रहा, मैं रेक्टेंगल ही बात कर रहा था। तो यहाँ रेक्टेंगल पॉसिबल नहीं है, क्या बन सकता है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस केस में स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तो ये आपने देख लिया होगा, आपने प्रूव कर लिया है, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन क्या बना आपको, अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ से, देखिए नोट करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जर कौन दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप बहुत ही केयरफुली पढ़ें, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक खोल देखेंगे पता लग जाएगा हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जर कौन दैट कैन बी इनस्क्राइब इन अ स्फीयर, ये कह रहा है कि आपको एक स्फीयर के बने और स्फीयर के अंदर क्या है, कौन, और कैसा कौन, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना बड़ा कौन बनाना आपको, किसके अंदर, स्फीयर के अंदर। और कह रहा है कि कौन का जो वॉल्यूम होगा, स्फीयर का वॉल्यूम का क्या होगा, 8/27 होगा। तो ये आपको चेक करना है, प्रूफ करना है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। अब इसने क्या बोला, साफ साफ बोला है प्रूफ दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कौन दैट कैन बी इनस्क्राइब इन अ स्फीयर, और स्फीयर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर, 8/27 चेक करना है। तो समझने की कोशिश करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा ट्रिक से देखना है कि मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चनों को, क्या क्या मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, क्या लेट कर रहा हूँ, किस तरह, ये चेक करना आपको, बस एक बार समझना बस। और ये श्योर है ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, मैक्सिमम बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आएगा, पता नहीं कैसे होगा, आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। और ये ऐसा टॉपिक है अगर आपने अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ली तो इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं, कभी भी आधा मार्क्स भी कटता नहीं है। तो ध्यान से देखें आप इसे, तो यहां पर के बना आपके एक स्फीयर, ये आपके स्फीयर के बने और स्फीयर के अंदर क्या बन रहा है, आपको कौन बना रहा है, कौन बनाते हैं सब आपने कौन बना लिया सर, तो कौन देख कैसा बनेगा चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये कौन आपके बने, ये कह रहा है कि स्फीयर के अंदर जितना हो सके उतना मैक्सिमम बड़ा आपको कौन बनाना है, ठीक है। अब ये क्या चेक करना है, अब आपको पता है ये किसके रेडियस है, ये होगी रेडियस ऑफ स्फीयर, ये कैपिटल आर होगी, ये भी क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर, ये भी कैपिटल आर होगी, इसे मैच कर लो, और ये क्या आपकी स्मॉल आर, ये आपकी स्मॉल आर आप यहाँ लिख लें, से स्मॉल आर होगी क्योंकि रेडियस ऑफ कौन होगी,
अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ट्रैक से भटक गए तो क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है इसमें। अब आपको पता ये क्या रेडियस ऑफ स्फीयर, ये भी क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर, यहाँ पर डाल दें आप ओ पॉइंट डाल दें। अब लेकिन ये देखो अगर चेक करूँ मैं यहाँ से लेके ये क्या होगा, आपको पता टोटल की क्या होती है हाइट ऑफ कौन होती है, ये क्या हो गया आर, तो ये क्या हो जाएगा एच माइनस आर आपका हो जाएगा। बस अब यहाँ से बहुत ईजीली क्वेश्चन निकल जाएगा आपका, बहुत ईजी देखिए। तो ये टोटल क्या होती है हाइट ऑफ कौन होती है, ये गिवन आपको आर कैपिटल आर, तो ये क्या होगा आपका एच माइनस आर। अब मैं अगर देख लग गया तो ये क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या हो गया इसका हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, एंड नाम डाल दें ओ, यहाँ डाल दें आप ए, ये डाल दें बी, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी में अगर चेक करें बाई पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम से तो क्या आएगा आपका यहां से होगा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपका एच माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सॉल्व करने पे क्या आएगा आर स्क्वायर आपका एज इट इज आइडेंटिटी खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एच आर प्लस आर स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहां से क्या कर लें इसको, ये पूरा था ट्रांसफर कर दें यहां से, क्या आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू अगर ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव टू एच आर माइनस एच स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो यहां से क्या फाइंड कर लिया आर स्क्वायर आपने फाइंड कर लिया है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा टू एच आर माइनस एच स्क्वायर, क्योंकि सीधी बात है मैं इसे ट्रांसफर इधर करूंगा या फिर इसे करूंगा तो ये क्या नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। अब बात कर रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में, आपने क्या पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ कोन पढ़ा है वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन v इक्वल टू वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच। अब r स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है v इक्वल टू क्या आएगा वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर के बना आपको टू एच आर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, और अंदर h के इंटू कर लो क्या आएगा वन अपॉन थ्री पाई टू एच स्क्वायर आर माइनस एच क्यू। अब आपको यहाँ पैरामीटर क्या दिख रहा है h दिख रहा है h, तो मैं क्या करूंगा डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी एच इक्वल टू वन अपॉन थ्री पाई, ये अब क्या हो जाएगा फोर एच आर माइनस थ्री एच स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो चुका है। फिर क्या करूंगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करूंगा फंक्शन के लिए, फोर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए चेक करते हैं, मिनिमम वैल्यू के लिए डी वी अपॉन डी एच इक्वल क्या रखूंगा जीरो। अब जीरो पोर्ट करता हूँ यहाँ पर क्या आएगा देखिए, यहाँ पर थोड़ा इधर देख लेते हैं इसको क्या आएगा इसका, तो यहाँ से आएगा वन अपॉन थ्री पाई, तो यहाँ से क्या होगा आपका फोर एच आर माइनस थ्री एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब जीरो इक्वल पोर्ट कर दिया तो यहाँ देखो वन अपॉन थ्री पाई क्या है कॉन्स्टेंट, एक आ जाएगा डिवाइड में, और जीरो को आप किसी भी नंबर से क्या कर लें डिवाइड कर लें तो वैल्यू क्या आती है जीरो ही आती है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका बचेगा फोर एच आर माइनस थ्री एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से कॉमन दिख रहा है एच, तो यहाँ हो जाएगा फोर आर माइनस एच इक्वल टू क्या आएगा जीरो, आपका थ्री एच हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से कंपेयर कर एच भी जीरो शो कर रहा है कंपेयर नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं एक स्टेप थोड़ा और कम करते हैं, फोर एच आर इक्वल टू थ्री एच स्क्वायर, एच से एच कैंसिल फोर आर इक्वल टू थ्री एच, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं फोर आर अपॉन थ्री इक्वल टू आ जाएगा एच। यहाँ से क्या आ गई आपकी हाइट ऑफ कोन क्या होगी रेडियस के फोर टाइम वो क्या कर दो फोर बाई थर्ड होगा, फोर बाई थ्री आपका इसका क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगी इसकी। अब करते हैं इसका सेकेंड डेरेटिव, अगेन डेरेटिव डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर। अब मैंने सेकंड डेरेटिव किया तो ये तो क्या आएगा आपका कांस्टेंट एज इट इज, तो यहाँ से पाई अपॉन थ्री आपका एज इट इज, ये क्या हो जाएगा एच का डेरेटिव होगा वन, तो आएगा फोर आर माइनस यहाँ से क्या आएगा सिक्स एच, सिक्स एच। अब देखिए जहाँ भी एच आपको गिवन है वहाँ क्या रखेंगे फोर आर अपॉन थ्री रखेंगे, तो यहाँ से आएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इक्वल टू पाई अपॉन थ्री फोर आर आपका एज इट इज माइनस सिक्स इंटू फोर आर अपॉन थ्री, तो पोर्ट करने में क्या आएगा ये आएगा आपका टू, तो यहाँ फोर आर किसका प्लस का, लेकिन यहाँ क्या आएगा एट आर क्या आएगा माइनस,
तो इट मीन्स आपका डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर ये क्या हो जाएगा लेस देन जीरो। अब इट मीन्स इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ गया, अगर किसी फंक्शन आपको जो भी गिवन है और उसमें अगर सेकंड डेरिवेटिव में जो भी आपने वेरिएबल फाइंड किया था एक्स फाइंड किया था और एक्स वैल्यू पुट की थी, पुट करने के बाद ये क्या आ गया नेगेटिव आ गया लेस देन जीरो आ गया। अगर लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो इट मीन ये तो पता लग गया कि इसके अंदर जो फिगर बन रहा है क्या बन रहा है आपका बन रहा है कौन, ये तो कंफर्म हो गया कि इसके अंदर कौन जो बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम होगा। कितना होगा वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से चेक करते हैं इसका रेशियो देखते हैं क्या है। यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए आपको वॉल्यूम फाइंड करने के क्या फाइंड करना है इसका वॉल्यूम किसका कौन का वॉल्यूम क्या होता है। मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ कौन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और नेक्स्ट क्या आपका स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि देखिए इसकी जो रेडियस आपको गिवन है क्या कैपिटल आर। तो यहाँ देखिए क्या कॉमन है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए क्या क्या वैल्यू आएगी यहाँ से एच इक्वल टू क्या गिवन आपको 4r/3 के बने तो पुट करेंगे यहाँ पर क्या आएगा देखिए। और आर स्क्वायर किसके इक्वल है देखिए आर स्क्वायर भी निकाल लेते हैं यहाँ से थोड़ा हटाएंगे इसको थोड़ा सा तो क्या आएगा आपका देखिए मुझे इसका रेशियो चेक करना है बस। तो यहाँ से आपका आर स्क्वायर क्या हो जाएगा देखिए जहाँ भी एच है 4r/3 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ रख लें 4r/3 थोड़ा सॉल्व करने पे क्या आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से आपका 2 एज इट इज। और एच का मीनिंग क्या दे रखा है एच इक्वल टू देखिए ये मिल गया आपको एच इक्वल टू के बने 4r/3 तो आप पुट करेंगे यहाँ पर 4r/3 इंटू आर माइनस यहाँ से फिर आएगा आपका एच स्क्वायर तो एच का मीनिंग आएगा 16r/9। तो अगर आपने एलसीएम ले लिया 9 तो यहाँ से क्या आएगा आपका देखिए 3 से डिवाइड किया 3 के अगर इंटू करते हैं क्या आएगा ये क्या आपका 8 तो यह आएगा 24r² माइनस ये आपका 16r². तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा देखिए आर स्क्वायर टू आपका आएगा 8r² / 9। तो वैल्यू पुट करते हैं देखिए क्या आएगा वैल्यू पुट करने पर आपका अगर मैंने वैल्यू पुट की तो आर स्क्वायर क्या पुट कर सकता हूँ मैं 8r² तो 8r² / 9 इंटू एच का मीनिंग क्या दे रखा आपको 4r/3 इंटू 4r/3 अपॉन यहाँ के बना आपको आर क्यू तो ये क्या हो जाएगा आपका आर क्यू से आर क्यू कैंसिल तो क्या आंसर आएगा देखिए अगर सॉल्व करने लग गए तो क्या आएगा देखिए आपका मुझे लाना 8/27 लाना है तो यहाँ से इंटू क्या आएगा 4r। तो एक सेकंड चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा देखिए दोबारा थोड़ा स्पेस थोड़ा कम है स्पेस थोड़ी शॉर्टेज है यहाँ पर तो इसको देखते हैं क्या आएगा आपका। अब यहाँ से मैंने क्या निकालना था वॉल्यूम ऑफ दोबारा लिख लेते हैं इसको वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ से आएगा 4/3 पाई आर क्यू तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल 3 से 3 कैंसिल। अब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल गया आपकी 8r² 8r² / 9 इंटू एच क्या निकल गया आपका 4r/3 अपॉन यहाँ लिख रहा 4r³ तो 4r³ आर क्यू से आर क्यू कैंसिल 4 से 4 कैंसिल तो आंसर क्या आएगा आपका 8/ क्या आ गया 27। इसका मतलब आपने क्या चेक कर लिया कि स्फीयर के अंदर क्या बन रहा था कौन बन रहा था और कौन का जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 8/27 होगा ये आपने क्या कर दिया यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो यही आपको प्रूफ करना था आपको यही दिखाना कि स्फीयर के अंदर जो क्या बन रहा है कौन बन रहा है कौन का जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 8/27 होगा। यहाँ पर आपने पढ़ लिया है मैक्सिमम सब कुछ पढ़ लिया है और बहुत सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं और आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी में आपको सेकंड डायरेक्ट टेस्ट अप्लाई करना है और सारे क्वेश्चन सेकंड डायरेक्ट निकल जाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।